गाइस मेरे साथ ना एक पोपट हो गया। क्या हुआ पता है, आज मैं फेस कैम के साथ आने वाला था लेकिन यार मेरा फेस कैम वाला वीडियो ही डिलीट हो गया है यार। What? यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा पोपट क्यों होता है यार। एनीवेज यार ये देख रहे हो सिंडिकेट ठग तब से मेरे को मारे ही जा रहे हैं इसको ये मालूम नहीं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ यार, आप लोग यार हंसो मत यार। हाँ गाइस मैं स्ट्रांग हूँ। ओके गाइस अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं इसको मारूंगा कैसे। यार इसको मारने के लिए अभी मेरे पास स्ट्रांग वाले पालमॉन्स भी है एंड मेरे पास गन भी है एंड मेरे पास शैडो बीक है, तो चलो शैडो बीक को ही भेज देते हैं। बट ये शैडो बीक तू क्या कर रहा है यार शैडो बीक। ओके फाइनली गाइस शैडो बीक अपना एनर्जी बॉल यूज करके इसको मार डाला यार। उफ यार शैडो बीक तू काफी स्लो है यार, तेरे को फास्ट बनाना पड़ेगा ठीक है। एनीवेज कल वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कल एंडिंग कैसे हुआ था। कल एंडिंग में अनुबिस को मैंने लड़ने के लिए भेजा था यार रिलैक्सोसॉरस लक्स के साथ, लेकिन अनुबिस ने ये करा। मैं डेफिनेटली अपने इसको भेजूंगा अनुबिस को। अनुबिस मार इसको काफी। आप लोगों ने देख लिया ना क्या करा यार, उसने वन शॉट में ही रिलैक्सोसॉरस लक्स को मार दिया। बट कैसे हो सकता है, मतलब एक पाल इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है कि एक बॉस को सिर्फ एक शॉट में मार दे। मतलब यार उसने मतलब हजार हजार डैमेज दिया होगा। अब देखते हैं रिलैक्सोसॉरस लक्स इधर आया है कि नहीं। एंड जैसे कि मुझे मालूम ही था रिलैक्सोसॉरस लक्स अभी तक आया नहीं है इधर, लेकिन यहाँ पे कुछ सामान है तो सामान को ही लेकर के चलते हैं। एक घंटा है मेरे पास, एक घंटा ठीक है। आज एक घंटे में मैं क्या करने वाला हूँ, पहली बात गाइज ये क्या चीज़ मिला मेरे को, प्रीशियस ड्रैगन स्टोन। अच्छा अगर मैं इसको यार सेल करूँगा तो मुंह मांगे कीमत मेरे को मिलेगा। ओके ओके ठीक है ठीक है, टेंशन ही है कि क्यों लेने का यार, ब्लैक मार्केटर ही मेरे घर में है तो सेल भी आराम से घर में ही कर पाएंगे। आज मुझे ऑर्जरक को बनाना है एंड ऑर्जरक वो है जो गाइस एकदम गार्चॉम की तरह है, बट गार्चॉम इज अ ग्राउंड ड्रैगन एंड ऑर्जरक इज अ इलेक्ट्रिक ड्रैगन ठीक है। तो मजा आने वाला है आज, तो ऑर्जरक को मैं लेके ही आने वाला हूँ। गाइस घर में आ चुके हैं एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे भाई लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं ठीक कि ऑर्जरक को बनाने के लिए ग्रिसबोल को एंड देन रिलैक्सोसॉरस को ब्रीड करना पड़ेगा। एंड फटाक से मेरे पास एक वर्डेंट एग था, एक ग्रास टाइप अंडा ठीक है। तो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। इसमें से निकला फ्लॉपी। अरे यार फ्लॉपी तो यार सीरियसली यार मेरे को कोई पावरफुल पाल देखना है आज के लिए ठीक है। एनीवेज गाइस फटाक से मुझे गुड पेरेंट, एक भाई मेरे को और कमेंट कर रहे थे कि बोल भाई यू नीड गुड पेरेंट्स ठीक है, तभी जाकर के आपका बच्चा मतलब मेरा बच्चा नहीं पाल का बच्चा स्ट्रांग होगा। तो रिलैक्सोसॉरस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ना, यार गाइस मेरे पे जो मेल है ना वो ही सबसे अच्छे वाले हैं एंड जो फीमेल है उनके पैसिव तो यार सब डाउन साइड में ही जा रहे हैं, यार सब तो डाउन साइड में ही जा रहे हैं, अब क्या करो। बट ग्रिसबोल का कोई टेंशन नहीं यार, ग्रिसबोल है मेरे पास मेल एंड ग्रिसबोल को मैंने यार वन स्टार भी करके रखा हूँ तो टेंशन वाला बात नहीं। बट यार रिलैक्सोसॉरस का क्या कर सकते हैं, ग्रिसबोल तो है बट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, एक रिलैक्सोसॉरस है फीमेल उसको ही ब्रीड कर देंगे ठीक है। एंड इसका इसको पहले यार डाल देते हैं यार रेंज पे, चल 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 ब्रीडिंग करने का वक्त आ चुका है ठीक है, मेरे को एक बहुत तगड़ा बच्चा देना ठीक है। वैसे तू तो बच्चा देगा नहीं यार, मुझे रिलैक्सोसॉरस को बोलना पड़ेगा जाओ ठीक है। गाइस अब मैं रिलैक्सोसॉरस को भी ऐड कर देता हूँ ठीक है। रिलैक्सोसॉरस यार तुम फीमेल हो ना, प्लीज़ मेरे को एक तगड़ा वाला ऑर्जरक का बच्चा जरूर से देना ठीक है, तुम जाओ। ओके गाइस फाइनली ये लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करूँगा मैं अपने पाल टीम को सेट करने वाला हूँ क्योंकि आज के दिन मैं बैटल करने वाला हूँ एक बहुत ही पावरफुल पाल के साथ। पता नहीं उस पाल का नाम मैनेस्टिंग है एंड वो गाइस सैंड बायोम में है ठीक है, एंड वो काफ़ी तगड़ा है। बट अपने टीम में किसको लूँ किसको ना लूँ यार समझ में नहीं आ रहा यार, फटाक से अपने टीम को सेट कर लेता हूँ ठीक है। एंड आज का एपिसोड थोड़ा छोटा सा हो सकता है बट स्टिल गाइस आप लोग लाइक जोर से कर देना ठीक है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है ठीक है, वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसलिए गाइस छोटा सा एपिसोड आ रहा है। बट प्रॉमिस कर रहे कल का एपिसोड आप लोगों को मैं एक घंटे का देने वाला हूँ, प्लीज़ गाइस मेरे प्यारे भाई लोग लाइक जोर से कर देना ठीक है। Guys, finally, मेरे पास ऑर्जरक का अंडा आ चुका है। क्या ये वाला ऑर्जरक अच्छे पैसिव के साथ आएगा? अरे यार नहीं यार, इसका पैसिव तो डाउन है। अब दूसरा अंडा खोल करके देखता हूँ, प्लीज 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 यार अच्छा वाला निकल ले, अच्छा वाला निकल ले। इसका भी क्लमजी है क्या, इसका भी पैसिव खराब है क्या? अरे यार इसका भी पैसिव खराब है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, फिर से इस तीसरे अंडे को हैज करो। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक दूसरे वाले का पैसिव थोड़ा सा अच्छा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, एंड लेट से आ रहा है ठीक है, लेट से अपडेट होकर के आ रहा है। तीसरे वाला का भी यार बेकार है।
ओके अब यहाँ पे और दो अंडे हैं, चलो इन दोनों का अंडे को लेते हैं, हैच करते हैं, ठीक है। एंड देन मन का शांति जब होगा फिर गाइस मैं निकल लूंगा मैनेस्टिंग के पास, ठीक है। निकलते हैं मतलब, अरे गाइस इसका भी यार कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। ओके प्लीज यार प्लीज, हे प्रभु, हे ईश्वर, हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। ओ गाइस अब थोड़ा सा अच्छा पैसिव वाला मिल रहा है, तो ये वाला सबसे बेस्ट है। ये लोग और भी अंडे देंगे, बट फिलहाल मैं जाने वाला हूँ यार इधर से कहीं पे बहुत दूर मैनेस्टिंग को पकड़ने के लिए। सो लेट्स डू फास्ट ट्रैवल, ठीक है, फास्ट ट्रैवल ही करके जाएंगे। और हाँ गाइस, फास्ट ट्रैवल करने से पहले फटाक से देख लेता हूँ यार ये जो ऑर्जरक है कहाँ पे चला गया। गाइस ऑर्जरक के बारे में थोड़ा सा जान करके जाएंगे, ठीक है। ओके तो इस वाले का 138 अटैक, इस वाले का 111, 149, तो लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, अभी तक का सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके पास येलो ये है, पैसिव है फेरोसियस का, ठीक है। अब गाइस ऑर्जरक के बारे में डेफिनेटली जान करके जाएंगे, ठीक है। ओके व्हाइल फाइटिंग टुगेदर, ओके अब एक मिनट अच्छी तरीके से देखेंगे ना, पाल डेक में जा करके आई थिंक नीचे होगा ऑर्जरक। बाप रे ये ऑर्जरक एकदम गाचौम यार, इलेक्ट्रिक वर्जन है यार। इट सीम्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट्स सेंस इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट्स फोर्स वंस रोस्टिंग देम फ्रॉम द इनसाइड आउट, फाइट बिटवीन ऑर्जरक एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आप लोग समझ रहे हो यार, यार ये ना अपने पाल को जख्मी करने के बाद उसके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेज देता है, एंड देन वो पाल रोस्ट हो जाता है यार, मतलब ग्रिल हो जाता है, एंड देन ये उसको खा जाता है। एंड ये भी लिखा हुआ है कि फाइट बिटवीन ऑर्जरक डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग, मतलब यार ब्लिंक ऑफ एन आई में खत्म हो जाता है इसका फाइट, मतलब ये इतना फास्ट है और इतना खतरनाक है ब्रो, ये तो काफी खतरनाक होने वाला है यार। मैं ना एक चीज देखूंगा, मैं अपने ऑर्जरक को शक्तिशाली बनाने के बाद अनुबिस बॉस के साथ फाइट करके देखूंगा, ठीक है यार। ऑर्जरक एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन है, तो क्या गाइस ऑर्जरक यार बॉस अनुबिस को हरा पाएगा, ठीक है। फटाक से और दो अंडे को हैच करके ही जाएंगे, ठीक है यार। मन के शांति के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मन के शांति के लिए। ओके इसका भी एक तो पैसिव अच्छा ही दिखाई दे रहा है, बाकी पैसिव खराब है, सब नीचे में है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ओके ओ दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ठीक है। फटाक से यार अब जाते हैं यार बॉस के साथ पंगा करने के लिए, ठीक है। लेट्स गो फ्रॉम हियर, फटाक से फास्ट ट्रैवल करेंगे। ओके इत्थे फास्ट ट्रैवल करेंगे, लेट्स गो गाइस। कल मैंने आप लोगों को एक ट्रिक समझाया था, ठीक है, एंड वो ट्रिक मैं आज आप लोगों को फिर से समझाने वाला हूं कि आप लोग कैसे फास्ट ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास पाल वर्ल्ड गेम है तो आराम से ये ट्रिक आप लोग यूज करो, ठीक है। अगर गेम नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि पाल वर्ल्ड का मैंने लिंक दे के रखा है, ठीक है। ओके तो चलो गाइस थोड़ा सा बैक में जाते हैं, एंड आई विल शो यू कि ग्रैपलिंग गन के मदद से और हैंग यू के मदद से आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे कवर कर पाओगे, ठीक है। पहले ग्रैपलिंग गन को सेट कर देना, एंड 1 2 3 एंड कंट्रोल को छोड़ने के बाद जैसे कि देख पा रहे हो हैंग यू कितना फास्टर तरीके से लेके जा रहा है, ठीक है। अरे यार एक फास्टर पालमोन की तरह ही ये लेकर के जा रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो मैंने एरिया फुल ऑन कवर कर लिया हूं, एंड एक मिनट यार पानी के नीचे गिर जाएंगे, यार पानी के नीचे गिर जाएंगे मतलब पानी में गिर जाएंगे, क्या बोल रहे हैं बोल्ट। एनीवेज गाइस ये हैंग यू ना मेरे को इतना ऊपर क्यों उठा के रहता है यार। ओके ये डार्क अंडा है, इसको ले लेता हूं। अब मुझे फटाक से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड देन गाइस मैनेस्टिंग को फाइंड आउट करते हैं, चलो लेट्स फाइंड आउट मैनेस्टिंग। देख सुजय को यार मेरे पास ना रिलैक्सोसोर्स, एक मिनट, रिलैक्सोसोर्स को निकालना नहीं था यार, रिलैक्सोसोर्स ठीक है निकल गया, तो इसको बैटल करते। ये सुजय को मेरे को खामा खा अटैक कर रहा है भाई, इसको मालूम नहीं कि मैं क्या हूँ यार। वैसे गाइस अगर इसको मालूम पड़ता कि मैं क्या हूँ ना, फिर ये मेरे को और ज्यादा अटैक करता, क्योंकि मैं तो नूबी हूँ। एनीवेज गाइस अब मैंने जर्मन टाइट को निकाल दिया हूँ, अब ये मेरे ऊपर, अरे यार मैं पाल थोड़ी ना हूँ यार, अटैक एग्रेसिवली यार, ओ बहुत बढ़िया यार, हाइड्रो लेजर से अटैक करा है सुजय को, तो डीएन होने वाला यार। फायर टाइप हमले मत यूज क्या कर अपने जर्मन टाइट के ऊपर, हाँ मसल मतलब मसला आ गया ना, मसला आ गया मतलब ठीक, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यार, सब कुछ भूल ही रहा हूँ, एंड यार इसको थोड़ा सा प्यार कर रहा हूँ। एनीवेज गाइस मैंने इसको फीड करा, बट यार ब्रेड का टुकड़ा इसके मुंह के अंदर घुसाना चाहिए था ना, मैंने इसके पेट के अंदर क्यों घुसा दिया जर्मन टाइट का। एनीवेज गाइस ये सब यार मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो यार निकलते हैं मैनेस्टिंग के गुफा में, ठीक है। मैनेस्टिंग एक गुफा के अंदर रहता है, तो मैनेस्टिंग का गुफा मुझे ढूंढना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पे तो एक संदूक है, फटाक से इस संदूक के अंदर क्या होगा, चल ए जर्मन टाइट को क्यों निकाला मैंने यार। ओके गाइस यहाँ पे यार गोल्ड कॉइंस एंड गीगा स्पीयर मिला, ओके गुड गुड, स्पीयर्स आर गुड, ठीक है। अब चलो गाइस गुफा ढूंढते हैं। वन इटर्निटी लेटर, फाइनली यार वन इटर्निटी लेटर मेरे को गुफा मिल चुका है, अब चलो गाइस गुफा के अंदर घुसते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये मैनेस्टिंग यार कोई खतरनाक चीज ही होगा यार, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, मैंने मैनेस्टिंग के बारे में कभी भी सुना नहीं है, बस नाम देखा हूँ। ये पाल कैसा है, क्या है यार, आई डोंट नो इसका यार, ये टाइप क्या होने वाला है, मुझे तो लग रहा है डार्क टाइप होगा, बट यार इतने गुफा के अंदर
यार कुछ ना कुछ तो खतरनाक होने वाला है, ठीक है। एंड ऊपर से गाइस इसका लेवल भी 44 है। एक 44 लेवल के बॉस के साथ मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, बट डोंट वरी गाइस, मेरे पास अल्ट्रा स्पीयर भी है एंड आई एम फुल्ली रेडी टू फेस दिस मेनेस्टिंग। अब चल 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 लेते हैं यार। एंड ओके गाइस, मेरे को और एक चीज़ समझ में आ चुका है गाइस, ये LGB जो है ना, मैं यार इसको भी यार गुफा के अंदर ही खोज पाऊंगा, ठीक है। एंड और एक एपिसोड में मैंने यार ब्रॉन्चर एक्वा को भी यार ढूंढ नहीं पाया था, ये भी आई थिंक किसी एक गुफा के अंदर ही होगा, ठीक है। आई नीड टू सर्च देम, मेरे को लगा था ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, बट ऐसा नहीं, ये लोग किसी गुफा के अंदर होगा। एनीवेज लेट्स गो। ये क्या है? ये तो स्कॉर्पियो है गाइस, ये तो एक स्कॉर्पियो है यार, गाइस ये तो एक स्कॉर्पियन है भाई। ऐसे भी पाल्स होते हैं क्या? मेरे को लगा था यार पाल्स ऐसे होते ही नहीं। एनीवेज गाइस, मैंने अपना फोटो मोड यूज करके यार आप लोग को दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये तो एक स्कॉर्पियो है। एंड गाइस ये बहुत बड़ा स्कॉर्पियो है यार, ये बहुत ही बड़ा स्कॉर्पियो है। एंड इसके साथ पंगा लेने के लिए मुझे डर सा लग रहा है यार, पता नहीं गाइस ये क्या हाल करेगा। बट डोंट वरी यार, मेरे पास जर्मन टाइट है, मेरे पास अनुबिस है, तो मुझे किसी बात का डर है नहीं, ठीक है। एंड आई कैन फाइट विथ हिम, ठीक है, आई कैन फाइट विथ हिम। ओए गाइस, ये व्हाट? नहीं ड्रैगन नहीं गाइस, ये एक डार्क और ग्राउंड टाइप है, डार्क और ग्राउंड टाइप। ओके, मैंने जर्मन टाइट को निकाला क्योंकि गाइस ये ग्राउंड टाइप है ना, इसके ऊपर फटका पड़ेगा, ठीक है। तो चलो दो तीन इसको गोली मैं भी मार देता हूँ। ओके ओके, जर्मन टाइट मार मार ले इसको, मार ले। ओ गुड 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 गुड, हाइड्रो लेजर से इसको काफ़ी अच्छा फटका पड़ा। अब बस मुझे ऐसे क्राउच डाउन होकर के रहना है, अगर मैं क्राउच डाउन होकर के रहूँगा तो गाइस ये मेरे को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब डिटेक्ट कर लेता है बट इतना भी ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा अगर मैं क्राउच डाउन रहूँगा तो, ठीक है। एनीवेज मैं इसको गोली फुल ऑन गोली चला रहा हूँ। अब ये मेरे ऊपर ही आ रहा है क्या? मेरे पास ही आ रहा है क्या? ओके ओके, गुड गुड गुड, जर्मन टाइट फुल ऑन मार, इसको फुल ऑन मार, और एक बार हाइड्रो लेजर मार। गाइस यार बहुत बढ़िया, 2877 में तो आ ही चुका है, गुड 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 गुड। तो यार बैटल देखते हैं, ठीक है, HP नहीं देखेंगे। ओ गुड यार, गुड गुड, जर्मन टाइट फिर से मार। यस हाइड्रो लेजर, ये क्या हो गया? हाइड्रो लेजर कैंसिल कैसे हो गया? नहीं नहीं, हाइड्रो लेजर कैंसिल कैसे हो गया गाइस? ये तो अलग ही और विचित्र चीज हो गया यार, हाइड्रो लेजर ही कैंसिल हो गया। ओह नो गाइस, ओह नो। ओके चल चल, अब क्या कर रहा है? ओके ओ नो गाइस, एक चीज तो मैं देख पा रहा हूँ यार, जर्मन टाइट का हेल्थ कम हो गया था। अब गाइस मैं अनुबिस को निकाल रहा हूँ, अब मजा आने वाला है क्योंकि अनुबिस इसको काफी पेलने वाला है। अटैक एग्रेसिवली, देखते हैं। उरी बाप रे, भयंकर डैमेज, भयंकर डैमेज। ओके गुड 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 गुड, अनुबिस बहुत बढ़िया यार। अनुबिस यार मेरे टीम में जब तक रहेगा, ऑब्वियसली हमेशा ही रहेगा यार, जब तक ये मेरे टीम में है, ठीक है, तो मुझे किसी बात का डर है ही नहीं, ठीक है। बस इसके अटैकों से मुझे बचना पड़ेगा। गाइस ये मेरे को ही चेस करके आ रहा था यार, मेरा तो हार्ट अटैक आ गया था। ओके ओके ओके, अनुबिस मार ले मार ले मार ले, बहुत बढ़िया यार। अनुबिस के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं यार, जैसे कि देख पा रहे हो गाइस कितना HP में आ चुका है, ठीक है। एंड बहुत जल्द गाइस 1000 HP में भी आ जाएगा, एंड फिर 800 600, एंड देन उसके बाद मैं इसके ऊपर अल्ट्रा स्पीयर फेंक दूंगा, ठीक है। एंड ये तो वॉल के ऊपर ही चढ़ गया, बट अनुबिस अटैक नहीं कर पाया यार, ठीक है। अरे तू नीचे तो उतर ले, नीचे तो उतर ले, ये क्या? ओ शिट गाइस, इतना बड़ा पत्थर छोड़ रहा था मेरे ऊपर। ओके ओके, मुझे क्राउच डाउन होकर के ही इसके ऊपर अटैक करते रहना है। ओ नो गाइस, ओ शिट गाइस, मैं डॉज ही नहीं कर पाया। शिट यार, ये क्या हो गया यार, मेरा तो यार शील्ड ही चला गया है, मैं शील्ड पूरा शील्ड टूट चुका है यार। ओ नो 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 गाइस, अब मुझे बच के रहना पड़ेगा, मुझे बच के रहना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ओ नो गाइस, अनुबिस इज इन ऑल्सो डेंजर पोजिशन, बट अनुबिस थोड़ी देर के लिए और लड़ सकता है, ठीक है। गाइस 1400 में आ चुका है, ठीक है, 1400 में आ चुका है। अब कुछ ज़्यादा मतलब देर तक ये टिकेगा नहीं, ठीक है। ओके 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 ओके, कमन 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 कमन, मार सकता है तू, मार सकता है तू अनुबिस। गाइस मैं ना रिलैक्सोसॉरस को ही भेज रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अनुबिस का हालत थोड़ा सा मतलब टाइट हो गया था इसीलिए। ओके रिलैक्सोसॉरस भी मार पाएगा इसको डेफिनेटली। रिलैक्सोसॉरस एक वाटर ड्रैगन टाइप है, ठीक है, तो इसके ऊपर तो वाटर टाइप फटके पड़ेंगे। ओ यार मैंने ये गलती क्यों कर दिया यार, मैं रिलैक्सोसॉरस के ऊपर ध्यान दे रहा था, है ना, उसी बीच इसने मेरे ऊपर एक पावर बॉम्ब मार दिया यार। वैसे गाइस जर्मन टाइट इज हियर, ठीक है, जर्मन टाइट इलेक्ट्रिसिटी अटैक मत यूज कर, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप अटैक यूज मत कर यार, टू वाटर टाइप अटैक इसके ऊपर यूज कर ले ब्रो, टू कर सकता है हाइड्रो लेजर। हाँ हाँ, मार ले मार ले मार ले। नो 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 गाइस, मेरा तो HP डाउन हो गया, अब तो मैं बचूंगा नहीं, मुझे डेफिनेटली नहीं लग रहा है कि मैं बच पाऊंगा यार। मैंने गलती कर दिया। नो अब गाइस यार मुझे बचते रहना पड़ेगा यार, एंड HP रिगेन होने में बहुत ज़्यादा वक्त है यार। एंड आप लोगों को लगता है मैं सर्वाइव कर पाऊंगा ये वाला राउंड? नहीं यार, मुझे दूसरा राउंड खेलना ही पड़ेगा, इस वाले राउंड पर मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ। गया
गया यार। अरे यार गाइस, गलती मेरी थी, गलती ना मेरी थी एकदम गाइस। मैं यार लेक्सोसोरस के ऊपर फोकस कर रहा था। द नेक्स्ट डे मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि अब दोपहर का समय है। अब तो यार डार्क टाइप पालों का शक्ति कम हो जाएगा। वैसे गाइस यार, गुफा के अंदर तो हमेशा अंधेरा ही होता है यार। बोल तो अपना ज्यादा दिमाग लगा मत, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाता हूँ ऐसा ही हो जाता है यार। पिछले बार कैसे मरा था आप लोगों ने देखा ना यार। रिलैक्सोसोरस के ऊपर फोकस कर रहा था यार। मुझे करना चाहिए था अपने दुश्मन के हमले के ऊपर फोकस, बट नहीं, बोल को तो करना है यार किसी दूसरे चीज के ऊपर फोकस। तो इस फोकस के अंदर यार मेरा होकस पोकस हो गया। एनीवेज लेट्स गो टू दिस गुफा एंड डिफीट दिस मेनेस्टिंग। वाओ, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज एंड बोल भाई लव टू डू फनी थिंग। ओके, लेट्स गो गुफा के अंदर, ठीक है? मजा आने वाला है ब्रो। सब कुछ ओके है एंड मेरे पास कुछ बॉम्बे हैं, इलेक्ट्रिक बॉम्ब है, तो इलेक्ट्रिक बॉम्ब को अपने साथ रखने वाला हूँ। अब बबम बम बबम बबम बम बबम होने वाला है, ठीक है? बहुत बढ़िया होने वाला है। ओके, आई चूज यू जर्मनटाइड। चल जर्मनटाइड, इसको मार, इसको खटिया खड़ी कर दे, ठीक है? इस बार तो मैं इसको डेफिनेटली पकड़ के लेके जाऊंगा ही जाऊंगा यार। ओ, बहुत बढ़िया हाइड्रो लेजर से यार शुरुआत। ओह, सांस लेना पड़ेगा यार। कंटिन्यूस ऐसे बात करूंगा तो यार मेरा गला ही सूख जाएगा यार। ऑलरेडी सूख गया। एनीवेज गाइस, इसको पकड़ने के बाद यार मेरा गला क्या, मेरा फुल बॉडी यार रिकवर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही कमाल का पाल है। पर ऐसे गलतियां करूंगा ना तो बोल भाई फिर से मरेगा यार। इसके अटैक्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं यार। एंड इसको यार अपने टीम में रखने के बाद तो मेरा तो यार सीना यार और फूल जाएगा यार। मतलब मुझे डर तो किसी बात पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे टीम में इतने स्ट्रांग वाले पाल्स आ जाएंगे। बट गाइस, एक गलत चीज़ कर रहा हूँ, मैं गुफा के अंदर फंस चुका हूँ। बट थोड़ी देर के लिए इधर ही एंट्रेंस के पास ही रहता हूँ, ठीक है? आई थिंक ये इस तरफ आएगा नहीं, देखते हैं ये इस तरफ आएगा कि नहीं। अब मैं गाइस बबम बम करता हूँ। चलो ओके, बम फेंका मैंने एक, अब ये दूसरा बम भी फेंकूंगा। दो, ये तीन, ओके गुड, ये चार, नाइस। अब तो तू मेरे टीम में आने ही वाला है। बहुत सारे बॉम्ब को मैं फेंक रहा हूँ। ओके नाइस, बॉम्ब पे बॉम्ब फेंक रहा हूँ। बट बॉम्ब पे बॉम्ब फेंकने के बाद भी इसको डैमेज कितना पड़ रहा है पता है? बॉम्ब से 15 डैमेज पड़ रहा है। गाइस ये तो काफी गलत ही चीज हो गया, क्योंकि यार ये तो यार एंट्रेंस में घुस ही गया था। मैं तो ऑलमोस्ट मरने से बचा यार, ठीक है? मुझे इस तरफ ही रहना पड़ेगा इस बार। लेकिन मैं अपने शील, मतलब जब तक के मेरा शील नहीं आता है तब तक के गाइस मैं इसके साथ नहीं लड़ने वाला हूँ। एक बॉम्ब तो फेंक ही देता हूँ, ठीक है? एक बॉम्ब फेंकने से क्या ही होगा? ओके 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 ओके, बॉम्ब फेंकता हूँ। बॉम्ब फेंकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मैं बॉम्ब पे बॉम्ब फेंक रहा हूँ। ओके, ये मेरे ऊपर पॉइजन ये सब छोड़ रहा है। एंड गाइस, मेरा बॉम्ब खत्म हो गया फाइनली। अब मुझे गन का भरोसा करना पड़ेगा। गन का भरोसा मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, गन इसको सिर्फ एक एक का ही डैमेज देगा, ठीक है? बट मैं सिर्फ पालों का भरोसा कर सकता हूँ। मेरे पाल ही अब कुछ कर सकते हैं। जर्मनटाइड एंड अनुबिस के ऊपर मुझे फुल्ली मतलब भरोसा है, ठीक है? ओके गुड 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 गुड। अरे यार तू मेरे ऊपर ये पॉइजन ये फालतू के अटैक्स मत यूज किया कर। डम है तो कुछ, ओह शिट गाइस, डम के बारे में इसके कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? डम के बारे में इसको यार बोल देंगे तो ये मेरा डम आलू बना देगा, ठीक है? ओके, तो मुझे अब फिर से एंट्रेंस के पास ही जाना चाहिए। एंट्रेंस के पास ही रहूंगा। जर्मन टाइट टू एंट्रेंस से थोड़ा दूर जाना ब्रो, नहीं तो ये फिर से एंट्रेंस में आ जाएगा एंड मेरा यार डीएन हो जाएगा। ओके, ये आ रहा है एंट्रेंस के पास ही आ रहा है। अरे कुछ ना कुछ कर गाइस, फिर से मैंने गलत कर दिया। ओके, मैंने अनुबिस को निकाल दिया। निकल ले बोल्ट, निकल ले। ओह यार, लकीली मैं निकल चुका हूँ, ठीक है? मेरे को लगा था मैं फिर से मर जाऊँगा यार। ये मेनेस्टिंग तो सीरियसली हार्ट अटैक नहीं, हार्ट ब्लास्ट कर देगा ब्रो। ये हार्ट ब्लास्ट कर देगा यार, ये काफ़ी खतरनाक और खूंखार पाल है यार। ओह अनुबिस, इसको जल्दी से ठिकाना लगा। ठिकाना नहीं लगाना है। ओए, ये पत्थर वत्थर मेरे ऊपर मत मारा कर, ठीक है? गुड अनुबिस, वेरी गुड। 1260 पे आ चुका है ना। यस गाइस, मजा आने वाला है। ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बहुत जल्द ये खत्म होने वाला है। अब तो गाइस मन में है विश्वास, फूला है विश्वास नहीं, पूरा है विश्वास। ये आएगा मेनेस्टिंग हमारे साथ। यस गाइस, आराम से 1000 से भी कम हो गया यार, 900 में आ चुका है। अब तो डेफिनेटली यार फुल ऑन भरोसा हो चुका है कि यार मैं इसको पकड़ के लेके जाऊंगा, आज के दिन ही लेकर के जाऊंगा एंड आप लोगों को ये मेनेस्टिंग दिखाऊंगा। ओके, तो यार पाल बॉल मैंने फेंका, अल्ट्रा स्पीयर, ठीक है? अब देखते हैं गाइस, एक अल्ट्रा स्पीयर में तो नहीं आएगा शायद। ओके, ओ नहीं आया, ठीक है? मैंने एस्टागोन को निकाल लिया, क्योंकि अगर मैंने अनुबिस को अगर रखूंगा तो अनुबिस ना इसको खत्म करके रख देगा, ठीक है? एंड मैं इसलिए एस्टागोन को निकाल रहा हूँ, क्योंकि एस्टागोन इसको ज्यादा डैमेज नहीं देगा, फिर थोड़ा डैमेज देगा, ठीक है? ओके, अब देखते हैं, ये भी नहीं आएगा आई थिंक सो। नहीं आएगा,
आ जाएगा क्या? नहीं आया यार, नहीं आएगा। ओके तो चलो तीसरे बॉल में शायद से ये आ जाना चाहिए। तीसरा बॉल मैंने फेंका, प्लीज तीसरे बॉल में तो आ जा भाई। तीसरे बॉल में भी नहीं आया यार। यार भाई देख, अल्ट्रा स्पिनर बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मैंने स्टिंग ऐसा मत किया कर, ठीक है? एस्टोगन इसको थोड़ा सा अच्छा डैमेज दे, इसको यार 100-200 का डैमेज दे दे, फिर ये 300 में आ जाएगा। 300 में आने के बाद ये डेफिनेटली आएगा। वैसे कैसे 400 में आ चुका है, आप देखते हैं। ओके नहीं यार, नहीं 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 नहीं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब चलो गाइस अपना लक आजमाते हैं। इस बार अगर आ जाएगा ना तो डेफिनेटली गाइस आप लोगों को कर देना पड़ेगा सब्सक्राइब, ठीक है? इस बार अगर आ जाएगा आप लोगों को कर देना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था ना, मतलब मैंने नहीं, आप लोगों को मैंने बोला था ना, अगर ये आ जाएगा आप लोगों को करना सब्सक्राइब, तो कर दो सब्सक्राइब प्लीज यार, कर दो अपने प्यार से बोल भाई को, ठीक है यार? ओके डन। 2000 years later. Finally guys, मैंने स्टिंग को पकड़ करके आ गया हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ढेर सारे, मतलब बहुत सारे अंडे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 guys, यहाँ पे यार 20 अंडे हैं, लिटरली guys यहाँ पे 20 अंडे हैं यार। एनीवेज गाइस, फटाक से मेरे पास कुछ अंडे हैं। पहले तो गाइस इस डार्क अंडे को हैच करके देखते हैं, जो कि मेरे को रास्ते में मिला था। इसमें से क्या निकलता है? इसमें से कॉकनी तो मिला, अच्छे पैसिव के साथ ही मिला, रनर पैसिव के साथ, और एक लार्ज रॉकी अंडा है। इसमें से क्या निकलता है चलो देखते हैं। इसमें से निकला सर्फेंट टेरा, और नाइस वन यार। ये सर्फेंट टेरा यार पिछले एपिसोड में मुझे मिला था बहुत महंगे दाम में, मैंने खरीदा नहीं। अब तो गाइस अंडे में ही मिल चुका है। अब चलो गाइस ह्यूज ड्रैगन को खोलते हैं। प्लीज यार कमाल का ऑर्जर्क निकल। ओके इसका पैसे, वो 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 गाइस, इसका पैसिव आप लोग देख सकते हो यार, नाइस वन। अब मजा आ रहा है, सीरियसली अब मजा आ रहा है। चलो इसको भी खोल लेता हूँ, ठीक है? इसको भी खोल लेता हूँ यार। ओके देखते हैं, वेरी नाइस। अब मैंने दो अंडे खोले यार, दोनों ही अंडों में से काफ़ी कमाल के ऑर्जर्क मुझे मिले, और मैं दो अंडे को खोलने वाला हूँ, ठीक है? और दो अंडों को खोलते हैं। चलो चलो इसमें से भी एक कमाल का ऑर्जर्क निकल ले। अरे यार, एक भी अभी बुरा वाला मेरे को ऑर्जर्क नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद से इन लोगों ने बहुत देर तक ब्रीडिंग कराना। एनीवेज गाइस, फटाक से और दो अंडे को खोल लेते हैं, एंड देन ओनली आई विल शो यू मैंने स्टिंग, ठीक है? ये लास्ट दो अंडे होने वाले, ठीक है? ऐसे दो दो करके मैंने बहुत सारे अंडों को खोल लिया। अरे यार, ये तो कमाल का है यार, ये तो कमाल का है। इसके पास दोनों ही कमाल के पैसिव से। अब ये खोलते ये लास्ट है, एकदम 100% ये लास्ट। ओके डन, और एक खोल लूँ क्या? चलो गाइस और एक को खोल ही लेता हूँ, और एक को लास्ट खोल ही लेता हूँ यार, मन ही नहीं भरता यार, मन के शांति के लिए और एक खोल ही लेता हूँ। ओके इसका भी पैसिव अच्छा है, और एक लास्ट। कसम से गाइस ये लास्ट अंडा होने वाला है, इसके बाद मैं अंडे को छूंगा भी नहीं, एकदम अंडे को छूंगा भी नहीं, डायरेक्ट मैं मैनेस्टिंग को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है? एंड मैनेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना पड़ेगा, ठीक है? ओके एनीवेज मैनेस्टिंग को ले लेते हैं अपने बॉल में, कहाँ पे बॉल नहीं सॉरी टीम में, मैनेस्टिंग ये रहा, मैनेस्टिंग को ले लेता हूँ। किसके जगह अभी यार, हैंग्यू के जगह ही ले लेता हूँ। अब चलो गाइस बाहर की तरफ जाते हैं, एंड मैनेस्टिंग को दिखाते हैं। अब आने वाला है काफ़ी मज़ा, एंड जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे ढेर सारे मतलब नहीं, यहाँ पे दो सिंडिकेट ठग है। चलो ये कितना सीरियसली बहुत बड़ा है। अरे यार, तेरे पीछे पूरा एक स्कॉर्पियन किंग है, सिंडिकेट ठग, और तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है भाई। चलो गाइस आप लोगों से मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है? क्योंकि इसको लेकर के बड़े मजे करने वाले हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सायोनारा।